प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को ओणम की दी बधाई। उन्होंने कहा कि ये पर्व देश की में सकारात्मकता, भाईचारा, सद्भाव को दे बढ़ावा। तालिबान को अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने दी चुनौती, अगर तालिबान अमेरिकी सैनिकों पर हुआ हमला तो मिलेगा तीव्र और करारा जवाब। दिल्ली में एनसीआर में बीती रात से झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट। उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति के तीसरे चरण का शुभारंभ, 75 महिलाओं को अलग अलग क्षेत्रों में मिलेगा सम्मान। शायर मुनव्वर राणा के खिलाफ लखनऊ में दर्ज हुई एफआईआर, तालिबान की महर्षि वाल्मीकि से की थी तुलना। नमस्कार, स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की खास खबरें। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आज मिशन शक्ति के तीसरे चरण की शुरुआत करेगी। कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। मिशन शक्ति का ये तीसरा चरण नए लेवल में नजर आएगा। कार्यक्रम में सीएम निराश्रित महिलाओं पेंशन योजनाओं के तहत 29.68 लाख महिलाओं के खातों में 451 करोड़ रुपए सीधे तौर पर हस्तांतरित किए जाएंगे। 1.73 लाख से अधिक नए लाभार्थियों को इस योजना से जोड़ा गया है। मशहूर शायर मुनव्वर राणा के खिलाफ लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। दरअसल मुनव्वर राणा ने तालिबान की तुलना रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि से की, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस से जानकारी देते हुए बताया कि वाल्मीकि समाज के नेता पीएल भारती की तहरीर पर मुनव्वर राणा के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने और अन्य कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि पीएल भारती ने हजरतगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि मुनव्वर ने तालिबान की तुलना महर्षि से करके देश के करोड़ों दलितों को ठेस पहुंचाई है, उनका अपमान किया है, साथ ही हिंदू आस्था को चोट पहुंचाई है। आजमगढ़ के अतरौली क्षेत्र में कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ए के शर्मा पहुंचे। उनके साथ जिला अध्यक्ष ऋषिकांत राय भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में ए के शर्मा ने बताया कि मुझे कुछ जिम्मेदारी दी गई है जिसके लिए यहां आया हूं। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और यहाँ ना कोई छोटा है ना बड़ा है, हम सब समान है। मेरी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं रही है। मेरे पिताजी भी एक कृषक परिवार से थे, मुझे नौकरी छुड़वा कर एक नई जिम्मेदारी दी गई। भाजपा हमारी और आप की पार्टी है, इसमें कोई भी भतीजावाद नहीं है, समाजवाद नहीं और परिवारवाद भी नहीं है। प्रभारी जी और मंडल से लेकर बूथ स्तर तक के अधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ आज मिलने का अवसर मिला। स्वाभाविक रूप से यहाँ बरसात हो रही है, छोटी सी जगह है, कार्यकर्ताओं की संख्या बहुत बड़ी है, इसलिए उन्हें थोड़ी असुविधा भी हो रही है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में और इतने उत्साह के साथ कार्यकर्ता बहुत देर से यहाँ अपने वरिष्ठों की, अपने नेताओं की बात सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं, उनसे मंत्र लेने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं उन कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आगामी रक्षाबंधन के त्यौहार को लेकर ताजनगरी आगरा में तैयारियां जोरों पर हैं। यहां ऐसी विशेष राखियां तैयार की जा रही हैं जो कि वैदिक हैं। इस बार ये राखियां रक्षाबंधन पर भाइयों को कोविड से भी बचाएंगी। आगरा के रानी लक्ष्मीबाई केंद्र पर छोटी बच्चियों द्वारा अनोखी राखी बनाई जा रही है, जो वहीं इन राखियों को वैदिक नाम दिया गया है। राखी बनाने से पहले एक छोटी पोटली तैयार की जा रही है, जिसपे 8 वस्तुओं को भरा जाता है। पोटली के अंदर लौंग, इलायची, कपूर, जावित्री, तुलसी, गिलोय, हल्दी को भरकर इसके ऊपर हाथों से कारीगरी की जाती है, जिस वजह से ये राखी खास है। आजकल हमारी रानी लक्ष्मीबाई किशोरी का स्कीम जो मात मंडल सेवा भारती द्वारा संचालित है, वहां पर वैदिक राखियों का निर्माण किया जा रहा है। इन राखियों में हमने 7 आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग किया है, जिसमें कपूर, जावित्री, तुलसी, लौंग, इलायची, चंदन, हल्दी।
ये राखियां विशुद्ध रूप से आयुर्वेद पर आधारित हैं और ये राखियां तीसरी लहर में आने वाले संक्रमण से हमारे भाई भतीजों को बचाएंगी, बचाव करेंगी। खबर और ये से है, यहाँ भारतीय किसान भानु गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह का अनंत राम टोल प्लाजा पर किसानों ने सम्मान किया। इस मौके पर भानु गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बड़ा बयान दिया, कहा कि जो किसान गाजीपुरा सिंधु बॉर्डर पर बैठे हैं वो कांग्रेसियों के हिसाब से चलने वाले हैं। इसके अलावा ये भी कहा कि जो बेईमान बॉर्डर पर बैठे हुए हैं वो कांग्रेस की दलाली से चलने वाले संगठन है। ऐसे संगठन को हम लोगों ने दरकिनार कर दिया है, हम किसानों के कल्याण के लिए संघर्ष करते रहेंगे, ये हमने संकल्प लिया है। औरैया जा रहे हैं और पूरे देश में ये टोल प्लाजा पर पूरे देश में हमारे नेतृत्व में किसान इकट्ठे हो रहे हैं। भारतीय किसान भानु का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ ठाकुर भानु प्रताप सिंह, और हमने संकल्प लिया है कि पूरे देश में हमारे जितने नेता हैं, जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, जितने हमारे महारथी हैं, जो 100% ईमानदार हैं, और जो बेईमान किसान नेता होंगे उनकी नहीं चलने देंगे। और भारतीय किसान भानु पूरे देश के किसान मजदूर गरीबों के लिए जो जो हमारी मांगे हैं, किसान आयोग का गठन किया जाए, सभी किसानों के 72 साल से किसान विरोधी नीतियों के कारण जो कर्जे हैं माफ किए जाएं, और 60 साल पूरी करने के बाद हर किसान मजदूर को 10,000 रुपये पेंशन दी जाए, या दुर्घटना में मरता है किसान तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपया दिए जाए। इन मांगों को लेकर इन बिल फिल जो चल रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं बेईमान जो गाजीपुर बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर बैठे हैं, वो कांग्रेस की दलाली से चलने वाले संगठन हैं। ऐसे संगठनों का हम त्याग कर दिया है और उनकी हम कोई बात नहीं मानेंगे। और सारे देश का किसान मजदूर और ईमानदार, चाहे वो दुकानदार हों, चाहे किसान हों, चाहे मजदूर हों, सब हमारे साथ रहेंगे और सबके कल्याण के लिए हम संघर्ष। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल और बढ़ती महंगाई को लेकर जल सत्याग्रह किया। समाजवादी पार्टी युवजन सभा के पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य लालजीत क्रांतिकारी ने कहा कि ये सरकार जब से आई है महंगाई चरम पर है, ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन पेट्रोल डीजल का दाम नहीं बढ़ रहा है, और 2 दिन पहले 25 गैस सिलेंडर का दाम बढ़ाकर के 950 कर दिया था। ये सरकार सभी लोगों को का शोषण कर रही है और जनता 2022 का इंतजार कर रही है, इनको जवाब जरूर देगी। हम लोग तमसा नदी के मोठी घाट पे कोलघाट आजमगढ़ में आज हम लोग जल सत्याग्रह किए हैं, और जो 2 दिन पहले गैस सिलेंडर का 25 रुपया दाम बढ़ाया गया था उसको लेकर के हम लोग विरोध प्रदर्शन किए हैं। यह सरकार कहती थी महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, सबको गैस सिलेंडर ये फ्री फ्री में बांट करके, और आज दाम कर दिए हैं 950 रुपया गैस का, कल परसों का फिर 25 रुपया बढ़ा दिए। तो ये जब से सरकार भाजपा की आई है तब से सिर्फ महंगाई ही महंगाई, महंगाई ही महंगाई कर रही है। सहारनपुर में भीम आर्मी के प्रमुख राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मंजीत नौटियाल ने सूबे के सीएम को लेकर विवादित बयान दिया है। मंजीत नौटियाल ने कहा कि सीएम योगी का काम तपस्या करना होता है, योगी जी जंगल से आए हैं और उन्होंने उत्तर प्रदेश को भी जंगल राज बना दिया। आगे उन्होंने ये भी कहा कि सरकार नाम बदलकर एक वर्ग विशेष को खुश करने में लगी हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि यूपी में भीम आर्मी की सरकार बनने के बाद सहारनपुर में यूनिवर्सिटी का काम शहीद वीर अब्दुल हमीद के नाम पर किया जाएगा। देखिए, हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो एक संत की श्रेणी में आते हैं। हम कई बार बता चुके हैं कि देश में संतों का बहुत सम्मान दिया गया है, और संतों का काम कहाँ पर है, जंगलों में है, उनका काम तपस्या करना है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसे व्यक्ति का जरूरत है जो उत्तर प्रदेश की जनता का हाल जाने, उनकी पीड़ा को समझे। तो योगी जी का काम तो जंगलों में तपस्या करना है, वो अब जंगल से यूपी में आ गए हैं, अब उन्होंने जो है यूपी को भी जंगल राज बना दिया है। और ये जहाँ तक कि यूनिवर्सिटी का मामला है, देख, किसी का नाम बदलने से मैथमेटिक्स लेवल नहीं बदल जाने वाला, इंग्लिश का लेवल नहीं बदल जाने वाला, और जो कैलकुलेशन है वो तो सेम रहेगी। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से आप लोग एक विशेष कम्युनिटी के खिलाफ काम कर रहे हैं, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर भीम आर्मी की सरकार बनती है तो इस यूनिवर्सिटी का नाम भी
सिद्धांत नगर के कई क्षेत्रों में इन दिनों बाढ़ लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। स्थानीय प्रशासन द्वारा लगातार इसको लेकर काम किया जा रहा है। तहसील स्तर पर राजस्व, पुलिस, विकास, स्वास्थ्य विभाग एवं पूर्ति विभाग का एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से लगातार लेखपाल ग्रामीणों से सतर्क करते हुए राहत और बचाव सुनिश्चित कर रहे हैं। डुमरियागंज तहसील क्षेत्र अंतर्गत 50 से अधिक गाँव बाढ़ग्रस्त है, जिसके लिए 4 मोटर बोट और तहसील स्तरीय विधायक निधि की 10 नाव, साथ ही गाँव स्तर की 209 नाव गाँव में लगी हुई है। लखीमपुर खीरी के थाना हैदराबाद क्षेत्र में व्यक्ति की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने बताया कि दोस्तों ने ही मिलकर व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया है। इस मामले पर पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और पकड़े गए शातिरों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार को भी बरामद कर लिया गया है। दिनांक 18 अगस्त की रात्रि में थाना हैदराबाद क्षेत्र अंतर्गत अयोध्यापुर गाँव के रहने वाले मंगल नाम के एक युवक की किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा गर्दन पे धारदार हथियार से वार करके हत्या कर दी गई थी। इस घटना के संबंध में तत्समय थाना हैदराबाद पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था और हैदराबाद थाना की पुलिस के द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए 3 अभियुक्तों को, जिनके नाम अमित, भल्लू और अपिल हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। तीनों अभियुक्तों के द्वारा घटना में अपनी संलिप्तता के संबंध में जुर्म को इकबाल सोनभद्र के चौपन थाना क्षेत्र में चौपन हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है और अभी भी एक की तलाश जारी है। पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र प्रताप सिंह ने पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता करते हुए मामले का खुलासा किया। पुलिस ने भी बताया कि हत्या के लिए 2 लाख रुपए की सुपारी भी दी गई थी। संबल में पुरानी रंजिश को लेकर गांव के ही दबंगों ने युवक को गोली मार दी। गनीमत रही कि गोली युवक के पैर में लगी। आनन फानन में ग्रामीणों ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं दूसरी तरफ आरोपियों के खिलाफ ग्रामीणों ने तहरीर देकर शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। वहीं खबरों के बीच इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां भारी बारिश से जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जलभराव के चलते मिंटो रोड बंद रही। मिंटो रोड पर ट्रैफिक डायवर्ट किया गया। कमला मार्केट जाने पर भी लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो दिल्ली में भारी बारिश के चलते हैवी ट्रैफिक लग गया, जिसके चलते ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया। मिंटो रोड पर ट्रैफिक लगा रहा, जिससे बाराखंबा की तरफ डाइवर्ट किया गया। कमला मार्केट जाने पर भी रोक लगा दी गई। तो बहुत तेज बारिश के चलते दिल्ली में जलभराव की स्थिति जगह जगह उत्पन्न हो गई, जिसके चलते लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा। जलभराव की स्थिति के चलते ट्रैफिक जाम लग गया, जिसके बाद ट्रैफिक को डायवर्ट करना पड़ा। तो अगली बड़ी खबर लखनऊ से, 5 दिन से लापता सर्राफा व्यापारी का मिला शव। पिकनिक स्पॉट के जंगल में मिला शव। हत्या की जताई जा रही है आशंका। गुडम्बा पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। 5 दिन से लापता सर्राफा व्यापारी का शव मिला पिकनिक स्पॉट्स के जंगल में। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, हत्या की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो लखनऊ में गुडम्बा थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई। शव को देखते ही गुडम्बा पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के आधार पर आगे कार्रवाई करने की बात की है। बता दें कि ये सर्राफा व्यापारी 5 दिन से लापता था, जिसका शव पिकनिक
पिकनिक स्पॉट लखनऊ के, वहां पर उसके जंगलों में बरामद हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, लोगों द्वारा पुलिस भारी पुलिस के साथ पहुंचे लोग वहां पर, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता शिवा जुड़ चुके हैं। शिवा, हत्या की आशंका जताई जा रही, हालांकि 5 दिन से ये शव लापता था। देखिए बिल्कुल कीर्ति, हत्या की आशंका इसलिए जताई जा रही है क्योंकि शरीर पर घाव के कई निशान मिले हैं, इसलिए पुलिस इस बात का इंतजार कर रही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जो कार्रवाई है वो की जाएगी। और कल देर रात ये गुडम्बा इलाके का पिकनिक स्पॉट रोड है और उसी के किनारे जंगलों में सराफा व्यापारी का शव मिला था। अब ये कयास लगाया जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा और जो सराफा व्यापारी की जो कॉल डिटेल है, कॉल रिकॉर्ड है, उसको खंगाला जाएगा और ये जरूर जानने की कोशिश की जाएगी कि लापता होने से पहले उनकी किन किन से बात हुई और क्या क्या दुश्मनी है। फिलहाल परिजनों की तरफ से बताया गया है कि पड़ोसी की से एक विवाद था और उसी के चलते उन्होंने एक मुकदमा दर्ज कराया था जिससे कि पड़ोसी जेल भी गया था, तो एक ये भी दुश्मनी कायम हो सकती है और इसी के चलते हत्या की जो वारदात है वो भी हो सकती है। फिलहाल पुलिस हर पहलुओं पर जांच कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि इस पूरी घटना के पीछे किसका हाथ है और क्या वजह है इनकी मौत की। ठीक है शिवा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गुडम्बा पुलिस हर पहलुओं पर जांच करके उसके आधार पर ही आगे की कार्रवाई करेगी। हालांकि परिजनों ने भी हत्या की आशंका जताई है, उन्होंने कुछ लोगों पर ये शक भी जताया है जो हत्या में शामिल हो सकते हैं। उसी सबके आधार पर, सबूतों के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करते हुए कार्रवाई करेगी। इस बड़ी खबर, बसपा महासचिव सतीश मिश्रा का औरैया दौरा, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में शामिल होंगे सतीश मिश्रा। आज दोपहर 12 बजे पहुंचेंगे राष्ट्रीय महासचिव, गोपाल वाटिका गेस्ट हाउस में होगा सम्मेलन। बसपा महासचिव सतीश मिश्रा का औरैया दौरा है, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में शामिल होने के लिए सतीश मिश्रा पहुंचेंगे दोपहर 12 बजे। राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा पहुंचेंगे जहां पर गोपाल वाटिका गेस्ट हाउस में सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो आज औरैया दौरे पर है सतीश मिश्रा, लगातार प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन अलग अलग जिलों में किए जा रहे हैं, बड़े स्तर पर हो रहा है और आज औरैया में भी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में शामिल होने के लिए सतीश वर्मा गोपाल वाटिका गेस्ट हाउस में सम्मेलन रखा गया है, वहां शिरकत करेंगे। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता जाहिद जुड़ चुके हैं। जाहिद, मैं आपसे जानना चाहूंगी सतीश मिश्रा के आगमन को लेकर किस तरह की औरैया में तैयारियां की गई हैं प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को लेकर। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, औरैया जिले में सतीश मिश्रा के आगमन को लेकर शहर भर को होर्डिंगों से पाट दिया गया है, काफी शहर में होर्डिंग लगी हुई है, गेस्ट हाउस के बाहर भी काफी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम भी किए गए हैं। वहीं शहीद सतीश मिश्रा जी औरैया 12 बजे आगमन करेंगे, उसके बाद सम्मेलन करेंगे, ब्राह्मण महासभा का गोष्ठी का कम भी का आयोजन किया गया है, पार्टी के काफी लोग इकट्ठे भी रहेंगे संबंध में। सम्मेलन को लेकर लोगों में किस तरह का आप जोश देख पा रहे हैं, वहां पर गोपाल वाटिका गेस्ट हाउस में भी सम्मेलन का आयोजन जिस तरह से किया गया है, तो बसपा के बड़े स्तर पर वहां पर कार्यकर्ता भी पहुंच रहे होंगे। हाँ, बसपा के कार्यकर्ता काफी पहुंच रहे हैं, उनमें काफी जोश देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूं कि पिछले जैसे 2007 में उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग द्वारा फॉर्मल करके बहुत जीत हासिल की थी, उसी तरीके से अपनी तैयारियों को पूरी तरीके से कर रहे हैं। जी जाहिद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सतीश मिश्रा आज औरैया पहुंचेंगे जहां पर प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अगली बड़ी खबर इस वक्त की, MLC AK शर्मा का मऊ दौरा आज, मधुबन में बाढ़ पीड़ितों से करेंगे मुलाकात, 100 बेड के अस्पताल का निरीक्षण करेंगे, बीटी में कार्यकाल कैंप का भी उद्घाटन करेंगे। MLC AK शर्मा का आज मऊ दौरा है, मधुबन में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर 100 बेड की सौगात देंगे। 100 बेड के अस्पताल का निरीक्षण करने भी AK शर्मा पहुंचेंगे। तो लखनऊ में मेट्रो अब 7 दिन चलेगी, बड़ी खबर, कोविड कर्फ्यू हटाए जाने पर मेट्रो ने लिया फैसला,
प्रबंधक ने सुचारू रूप से चलाने की तैयारी पूरी की। अभी तक रविवार को बंद रहता था संचालन। तो एक और जहां साप्ताहिक बंदी हटा दी गई है, जिसके बाद मेट्रो ने भी इस बंदी को हटाते हुए मेट्रो का संचालन सातों दिन किए जाने का फैसला ले लिया है। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक मेट्रो का संचालन किया जाएगा। रविवार को भी मेट्रो संचालित होगी। अब वही मिशन 2022 में जुटी सभी पार्टियां आज प्रदेश भ्रमण करेंगे दिग्गज। सफाई दौरे पर रहेंगे पूर्व सीएम अखिलेश यादव, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सीतापुर दौरे पर, हरदोई जाएंगे स्वतंत्र देव सिंह और अय्या इटावा दौरे पर रहेंगे सतीश चंद्र मिश्र। मिशन 2022 के दौरे तैयारियों को लेकर सभी पार्टियां जुट गई हैं। प्रदेश भ्रमण सभी पार्टी के दिग्गज कर रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए प्राइम टीवी।